शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर गाड़ी तैयार है। खाता है उसी में छेद करता है। तेरी जुबान तो खुलवाएंगे हम, बोल कुछ तो बोल। गद्दार कमीने, कुछ बोलता क्यों नहीं? आईएसआई वाले तेरे बाप लगते हैं क्या? नजर नीचे, हथियार कहां से मिले तुझे? अबे बोल। ये सारी चीजें इकबाल अंसारी के घर से बरामद हुई है, इसलिए पता चलता है कि इकबाल अंसारी आईएसआई का एजेंट है और टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि अभी अभी जो दंगे हुए उसमें भी इसी का हाथ हो, इसलिए हमने पोटा के तहत इसे गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसे सुराग मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि इन लोगों का मुंबई के कई स्थलों पर हमला करने का इरादा था। एक स्पेशल कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। इंस्पेक्टर थत्ते अपनी टीम के साथ इसे लेकर कल सुबह मुंबई रवाना हो रहे हैं।
ये समस्या सिर्फ मेरी कंस्टिट्यूएंसी चंदनगढ़ में नहीं है, आज पूरे देश में है। चंदनगढ़ में हुए कौमी दंगे, आतंकवादियों द्वारा बीच चौराहे पर पुलिस टीम पर हमला, ये सब उसी प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है जो कि हमारे पड़ोसी ने आईएसआई के जरिए हमारे देश में छेड़ रखा है। पहले तो बहकावे में आकर अनपढ़ गंवार लोग आईएसआई का साथ दे रहे थे, लेकिन अब अंसारी जैसे पढ़े लिखे लोग भी उनके एजेंट बनने लगे हैं। ये खतरे की घंटी है, हमें इस नेटवर्क को कुचलना होगा। इसके लिए मुंबई पुलिस को चाहिए कि फौरन एक टीम चंदनगढ़ भेजे और उस आतंकवादी अंसारी को यहां लाकर निश्चित तारीख पर अदालत में पेश करे। जी हाँ, काम आसान नहीं है, इसलिए मैंने एडिशनल कमिश्नर मिस्टर नायडू से कहा है कि जो भी टीम चंदनगढ़ भेजे बड़े ध्यान से चुने। अंसारी को मुंबई लाने की ड्यूटी में 8 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं और अब भी कुछ बदला नहीं है। हालात वही, काम वही, खतरा वही। तुम्हारे दिमाग में कोई है? डीसीपी अनंत श्रीवास्तव। और इसी तरह हम दोनों मिलकर देश की सेवा करते आए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम खादी पहनकर कर रहे हैं और आप लोग खाकी पहनकर। सब तालियां बजाकर हमें चुप कराना चाह रहे हैं, और ये है कि मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आप मुझे और सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं धन्यवाद। अब इस एकेडमी के चीफ इंस्ट्रक्टर श्री अनंत कुमार जी अपने स्टूडेंट से दो शब्द कहेंगे। श्री अनंत कुमार जी, हमारे पापा सो रहे हैं। अनंत कुमार जी, अनंत कुमार जी, माफ कीजिएगा, जरा आंख लग गई। दरअसल मुझे पता नहीं था कि माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण सन 1942 की बातों से शुरू करेंगे। सन 74-75 तक तो मैं इनके साथ रहा, उसके बाद फिर झपकी लग गई। लेकिन मान्यवर, दोष आपके भाषण का नहीं है, दोष मेरी ढलती उम्र का है। आदरणीय मंत्री महोदय और इनके साथियों का तो मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे आराम का बहुत ध्यान रखा। जब भी मेरे इलाके में कोई वारदात हुई, राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, तो फौरन मेरा ट्रांसफर किसी शांत जगह पर कर दिया ताकि मैं वहां आराम से रह सकूं। यहां से वहां, वहां से वहां, और जब कोई भी शांत जगह नहीं मिली तो मुझे यहां ला करके स्थापित कर दिया एकेडमी में आप लोगों के बीच। क्या बात है सर, यू आर ग्रेट सर। बहुत अच्छा बोला सर आपने। वेल सेड सर, वेल सेड। वेल डन सर, वेल डन। मेरे तो रहने दो, इतना मत चढ़ाओ भाई। नहीं सर, सचमुच हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हमें आपके नीचे ट्रेनिंग मिली, शिक्षा मिली। यस सर, बिल्कुल सर, वेरी राइट सर। असली शिक्षा तो तुम लोगों की अब शुरू होगी और हर कदम पे तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अपनी ड्यूटी करते हुए गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता की बीमारी जो समाज में, उसके साथ जूझते हुए उस वक्त देखो, तुम्हारा एक ही टीचर होगा, तुम्हारा जमीर, तुम्हारा विवेक, उसे हमेशा जिंदा रखना। और क्या कहूं मैं, मैं तो बस यही चाहूंगा कि जो कुछ मुझे अपने करियर में हासिल नहीं हुआ वो तुम लोगों को हासिल हो। एक्सक्यूज मी। हाँ 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 हाँ, बस आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ भाई। ये देखो, एक और ड्यूटी पत्नी की। बेटी की शादी है, लाखों काम पड़ा है। भाई देखो, शादी में तुम सबको आना है। यस सर। हाँ? क्या इतना ही लगाया? मुझे इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, चारों तरफ बल्ब की लड़ियाँ चाहिए। लग जाएंगे मैडम, अभी शादी में 2 हफ्ते बाकी है। 2 हफ्ते बाकी है? हाँ। 2-3 दिन में मेहमान आना शुरू कर देंगे, साफ देखेंगे तो चिल्लाएंगे। मूड बड़ बोलो,
ஒண்ணு போடு போதும். என்ன கந்தசாமி என்ன போதும் போதும்ன்ற? ஏன் கந்த தரம் பண்றேன்? எனக்கு வீடு பூரா பூ வேணும். கமலப்படாயம்மா உங்க வீடு காடன் மாதிரி செண்டு போட்ட மாதிரி கம கமன் மணக்க வச்சிருவோம். மம்மி மம்மி ப்ளீஸ் இதர் ஆயே. क्या हुआ? देखो ना मम्मी, इतनी टाइट सिलवाई है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ. क्या मास्टर जी, ठीक से नाप नहीं लिया क्या? महतरमा, नाप तो बिल्कुल ठीक लिया था. लगता है शादी की खुशी में बच्ची जरा सी फूल गई है. अरे ये तस्वीर कब की है? मई 1988. मेरी बहन आई थी बैंगलोर से छुट्टियों में और हम सब महाबलेश्वर गए थे. तुम्हें भी पहुंचना था, पता नहीं किसी केस के वजह से पहुंच नहीं पाए. कौन से केस में कब काम कर रहा था, साल महीना तारीख सब याद है मुझे, लेकिन तुम लोग कब क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं. इनमें से आधी तस्वीरें तो मुझे याद भी नहीं, और ज्यादातर तो मैं हूं भी नहीं. ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं अनंत. नहीं नहीं, ये पूरा जीवन है, इसका मैं सिर्फ दर्शक रहा हूं, भागीदार नहीं. तुम जो भी कर रहे थे वो भी तो जरूरी था. तीस साल मैंने डिपार्टमेंट को दिया, जो काम मिला बड़े दिल से किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया. जो हुआ सो हुआ सर, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सर कि ये सौदा बहुत महंगा पड़ा. बैठिए सर. डिपार्टमेंट से पूछो तो उनके हिसाब से मैं अच्छा पुलिस ऑफिसर कभी था ही नहीं. बीवी से पूछो तो उसकी 1,00,000 शिकायत है, बेटी का रोना अलग है, बाप कभी उसके लिए था ही नहीं. अब कल वो जा रही है सर, कम से कम उसकी विदाई तक तो रहूं. मैं तुम्हारी हर बात समझता हूं अनंत, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये केस, ये मिशन वो मौका है जिसका तुम्हें हमेशा इंतजार रहा? अनंत, ये केस बहुत सेंसिटिव है और मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है. लेकिन सर शादी में सिर्फ 12 दिन रह गए. यहां तो 3 दिन की बात है, उसके बाद तुम अपने घर लौटाओगे, लेकिन वो जो चंदनगढ़ में मारे गए हैं उन, उनका हम पर कुछ कर्ज है अनंत. आपको तो अंदाजा होगा ही कि यह काम आसान नहीं है. कोई ताकत है जो पूरी कोशिश करेगी कि अंसारी मुंबई ना पहुंच सके? ताकत जो भी हो सर, हमारे इरादे पक्के हैं. 71 लोग मरे हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं, हजारों बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं. वो सब मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, मेरे अपने सर. उनका नुकसान तो हम पता नहीं कितना भर पाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए. पूरी स्टेट की आंखें आप पर लगी हुई है. मैं वादा करता हूं सर, खाकी खिला जाऊंगा. भाई ये बड़े ही हाई लेवल की मीटिंग थी, कमिश्नर साहब, नायडू, यहां तक कि मंत्री साहब ने इस मिशन पे, इस इंपॉर्टेंट मिशन पर जाने के लिए तुम्हारे पतिदेव का चुनाव किया. ये तो तुम्हारे लिए बड़े गर्व की बात होनी चाहिए. हाँ है, गर्व है. 12 दिन के बाद घर में शादी भी है डीसीपी साहब. भाई जहां तक आपके डीसीपी साहब का सवाल है, वो तो शादी में होने नहीं वाले. अच्छा, कुछ भी बोल देते हो. होने वाले हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अनंत कुमार श्रीवास्तव. सच? भाई ऐसा बता रहे थे लोग कि अब की बार प्रमोशन पक्का है. ये नायडू खबर लाया अंदर की, बताना मत किसी से, अखबार में छप जाए फिर बताएं. फाइनली उन्हें अक्ल तो आई, ये प्रमोशन 10 साल पहले हो जाना था. तुम खुश हो ना? इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है मैं किसी काम का तो. गुड मॉर्निंग सर. गुड
बड़े क्या है यार? इंस्पेक्टर होते ना एटीट्यूड। वो बात नहीं है यार, यार ट्रेनिंग से लौट कर तूने फोन तक नहीं किया। मैंने इतने मैसेजेस दिए। परसों आप ट्रीट दे रहे हैं? परसों नहीं, परसों तो मैं बाहर जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर। हम बाहर जाने दे तब ना। क्या करी रिश्ता, लोग देख रहे हैं तो। अरे भाई वर्दी में हूँ, जनता की नजर में इसका कुछ रुतबा है। समझा इसे। अरे क्या कर दिया है? दिन में दारू पी के गाड़ी चला रहा है, इतना बड़ा ठेला नहीं दिखाई दे क्या? देखिए साहब, देखिए हमारे सारे सामान का नुकसान कर दिया। जल्दी चलो यार, ये लीजिए 50। व्हाट द हेल इज दिस? अभी जब लाइसेंस मांगा तो लाइसेंस निकाल। अच्छा सॉरी, रिश्वत देता है पुलिस वाले को? रिश्वत देता है? रिश्वत देता है? मैं देखता हूँ। गलती क्या हुई ये बताइए ना आप हमको। हमने स्टार देकर तो पैसा दे रहे थे उनको। एक पट्टी का 10, दो का 20, स्टार वाले को 50। अबे साहब है वो पूरा 100 का नोट दे रहे थे इनको। बहुत बोलता है। नहीं आपके रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई हो तो बताइए ना हमको। ये क्या मारना शुरू कर दिया तरह तरह, मतलब हुआ इस बात का? नाम क्या बोल? अशोक यादव। मैंने सुना तुम जिधर जा रहे हो वहाँ बहुत डेंजर है। कौन बोला तेरे को? माला। कौन माला? मंगेश की बीवी। टेंचाई लगाए बोलो मंजे। अरे पागल है वो दोनों, उन्हें क्या पता डेंजर है। और कहाँ डेंजर नहीं है, तो गैस पर खाना बनाती है ना उसमें भी डेंजर है। मैं रोड क्रॉस करता हूँ उसमें भी डेंजर है। बात करती कोई कुछ भी बोलता है तू सुनती है और चली जाती है यहाँ मजा डोका खायला। पण मी काय म्हणत होते कि चुप बैठ बोला तेरे को, फालतू बकवास बंद कर अभी। ओरडतो कशाला, प्यार से भी तो समझा सकता है ना। तेरी बीवी से बात कर रहा है तू, किसी चोर उचक्के के साथ नहीं बात कर रहे हो। ठीक है ठीक है, अब रो मत। चल रो मत क्या, एक साल से बोल रही हो आई के पास जाना आई के पास जाना है। हाँ बोलते हो फिर ड्यूटी पर चले जाते हो। अरे बाबा अभी 3 दिन में वापस आऊंगा मैं, तो तुझे लेके जाता हूँ तेरे आई के पास। नक्की? अगे नक्की का है, आते वक्त तेरे लिए जरी की साड़ी लेके आऊंगा। बाबा वो वाली बैट मेरी टूट गई। तो नहीं ले लेंगे? अरे माजा सचिन है तो सचिन, अच्छा लगा इसे जगह देख के। नहीं तो जब भी देखा सोता देखा, चद्दर के अंदर ही अंदर पड़ा हो गया। इसमें इस बेचारे की क्या गलती, तुम्हारे रात दिन का ठिकाना नहीं, ड्यूटी ऐसी तुम्हारी। तुमने लोगों को मारो सता, तुमने लोगों को मारो सता। ए थाम, चल। ए हवलदार, ऐसे कैसे बैठ गया? चलो उतरो उतरो। अरे काय को गुस्सा करता है मैडम, आजकल यू टीजिंग बहुत होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लेडीज लोगों को सिक्योरिटी देने का। ए जंबो, परसों अपनी पूरी गैंग पिकनिक को जा रही है, तू आ रहा है ना? नहीं यार अपुन की तो वाट लग गई है, वो चंदनगढ़ जाने का है ना। आला ड्यूटी। चंदनगढ़? हाँ ठीक है, एंड आगे भी सिक्योरिटी है। रात भर सोने नहीं दिया, आदमी हूँ मशीन नहीं। अरे सुनो मेरा हस्बैंड आ गया है। 2 दिन का बोल के गया था, इतना जल्दी कैसे आ गया? अब क्या ढूंढ रहे हो? कच्चा कहाँ है मेरा? कच्चा तुमने पहन रखा है। मैं आ गया तुम्हें आज। अरे बाप रे। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ फिर से? शेखर से आंख में चोली, कहाँ छुपा के रखा? कहाँ छुपा के रखा जल्दी जल्दी बताओ। क्या? कोकेन, ड्रग्स। स्मगलिंग का धंधा छोड़ के तुमने ड्रग्स का धंधा शुरू किया ना, इस बार पक्की खबर मिली है मुझे। नहीं सर, पता नहीं मेरा कौन सा दुश्मन है जो हर बार आपको गलत खबर देता है और आप हर बार मेरे ही घर आके तलाश लेते हैं। झूठ मत बोलो,
सारी रात मैं सो नहीं सका हूँ तुम्हारी वजह से। सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने सारे धंधे छोड़ दिए हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना। अरे कुछ बोलो ना चरी। चरी ने जो कहना था करना था वो कर चुकी है, अब जो कुछ करना तुम्हें करना है, वरना 10 साल के लिए क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? पूरा ले लीजिए सर। होशियार रहने का, कभी भी रेट डाल सकता हूँ। और अपनी बीवी को झूठ मत बोला करो, 2 दिन का बोल के 1 दिन में मत आया करो, समझे? जाओ ऐश करो। नहीं पागल है जो, मैं चंदनगढ़ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? पता है तेरे को, 8 पुलिस वाले निकले थे चंदनगढ़ से टेररिस्ट को लेके, क्या हुआ स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए, वही ठोक दिया उन लोगों ने। वो तो अच्छा है, पॉलिटिक्स में मेरी बड़ी पहचान है, मैं तो निकल जाऊंगा पतली गली से। मेरी बात मान तो तू भी कोई बहाना बना और निकल जा, खत्म कर। माफ कीजिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा एक बात बता, पुलिस में क्यों आया? बताया ना क्यों आया पुलिस में? सर बचपन से ही मेरे मन में। बस 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 बस, आगे कहानी मैं जानता हूँ। बाप फ्रीडम फाइटर था, माँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, ये फिल्मी कहानियाँ बहुत सुन चुका हूँ मैं, तंग आ गया हूँ यार। सच सच बता, फैमिली ने अंदर ढकेला या ऊपरी कमाई के लिए है ना? हाँ कि ना? अगर कोई मुझे रिश्वत देने की कोशिश करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। शाबाश, शुरू शुरू में सब लोग यही बोलते हैं, बाद में जो रिश्वत नहीं देता उसका मुंह तोड़ देते हैं। गाड़ी रोकिए सर। हाँ? गाड़ी रोकिए। डीसीपी साहब का ऑर्डर है, कल हम सबको सुबह 9 बजे पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसका कॉकिंग हैंडल अटक रहा है, प्लीज चेंज। चलेगी सर। वाटकर साहब, हम लोगों का LIC पॉलिसी निकल आए क्या? नहीं, ये अटक गई तो हम लटक जाएंगे ना। अरे छोड़ ना भाव, सुबह सुबह कहाँ निकलेंगे देश की सेवा करने के लिए मिनिस्टर साहब? हाँ रात को बात हुई थी ना, उन्होंने ही बोला सुबह फोन करने के लिए। हाँ देना देना, प्लीज प्लीज फोन देना। 4 ही बुलेट प्रूफ जैकेट मिले सर, बाकी के सब चले गए। क्या आरती कर रहे? अरे वो आरती कर रहे, घंटी मेरी बज रही, बोलना यार इमरजेंसी है। सर सर 4 ही बुलेट प्रूफ जैकेट है सर। तो क्या करूं, तुम लोग भी तो 4 ही हो। सर आप नहीं आ रहे सर? आऊंगा, फूल चढ़ाने आऊंगा या फूल देने आऊंगा, चल यहाँ से। पटेल साहब, पटेल साहब मैं शेखर। कौन शेखर? पटेल साहब आपका इंस्पेक्टर शेखर। हाँ बोलो। क्या हाल है आपका? हाँ ठीक है। और भाभी जी का क्या हाल है, दादी का सब ठीक? काम की बात करो। सर वो कल रात जो मैंने आपको बोला था ना, वो चंदनगढ़ का, मेरा नाम कैंसिल कराओ ना प्लीज। नहीं 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 हो सकता। कोई अप्रोच लगाओ ना बड़ी। अरे नहीं हो सकता, बोला ना तेरे को, समझ नहीं आता क्या? नहीं कल भाभी जी का फोन आया था, कह रही थी कि वो शाहरुख का प्रीमियर है, बच्चों को लेके जाके फोटो वोटो खिंचवाना है। वो पांड्या लेकर जाएगा। पांड्या साहब ठीक है सर, भाभी जी को कह देना मेरी तरफ से माफी मांग ले। हाँ हाँ बोल दूंगा। और बच्चों को कहना कि शेखर अंकल नहीं आ सकते, और दादी को प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद। चलो अभी फोन बंद करो। ओके सर ओके। साला सुअर सुधरेगा नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जेंटलमैन, सब तैयार? सर जैसी आपने लिस्ट दी थी वो सब ले आए। किसी के पास कोई अपना हथियार? एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, और नहीं है मेरे पास। कितने राउंड्स हैं आपके पास? 30। ठीक है, रखिए उन्हें। चेक्ड ऑल द वेपन्स? गुप्ते साहब ने बड़े बारीकी से चेक किया है, स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। कार्डबोर्ड टारगेट। आपने कुछ कहा? सर ऐसा है कि शूटिंग रेंज में गत्ते पे निशाना लगाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि गत्ते कभी पलट के वार नहीं करते। और जिंदा इंसान कर सकते हैं जी। बहरहाल हम अभी 11:30 बजे यहां से चंदनगढ़ के लिए रवाना होंगे, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया तो परसों सुबह अंसारी के साथ यहां वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें यह काम बहुत सावधानी से करना है,
चकन्ने रहकर नियम कानून के अनुसार फॉलो द रूल्स। हम जिस दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं उसका ना कोई नाम है ना कोई चेहरा। हमें यह नहीं पता कि वो कितने हैं, लेकिन यह पता है कि वो बहुत सारे हैं। उनके पास हथियार कौन कौन से होंगे नहीं पता, लेकिन वो हमसे बेहतर होंगे ये पता है। वो कब कहां कैसे हम पर वार करेंगे नहीं पता, लेकिन वो वार करेंगे ये पता है। अंसारी को छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। मेनी क्वेश्चंस? फाइन, 10 मिनट में हम यहां से रवाना होंगे। गुड लक जेंटलमैन। आप तो बहुत दाव लगाते हैं सर, आपको क्या लगता है कितना परसेंट चांस है अपना? 100% वापस आने का? नहीं नहीं, ऊपर जाने का। फ्रीलांसर हूं, ये देखिए मेरा कार्ड, ये और फोटो 200-250 मिल जाता है अखबारों से, यही इसी से मेरा गुजारा चलता है सर। पता चला स्पेशल टीम जा रही है चंदनगढ़, तो मैंने सोचा एक्सक्लूसिव है, थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं सब? सब मेरी रोजी है सर, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा दोबारा, प्लीज सर। फोन मत उठाना। रेखा ने बताया नहीं तुम आए हो? तुम्हारी तस्वीरों के पैकेट्स तो भिजवा दी थी मैंने, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये यहां कैसे रह गया? ये तो टेस्ट का था, पता नहीं कैसे रह गया, गलती हो गई। इस गलती को तो मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं, लेकिन तुम्हारी दूसरी गलती का क्या करूं? दूसरी गलती? पुलिस जिसे तुम साथ ले आए हो, जो बाहर खड़ी है। मैं इनको संभालूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब मेरी टेंशन का इलाज तो सिर्फ तुम्हारी खामोशी है। मतलब तुम नहीं नहीं नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे इतने सालों की दोस्ती है हमारी, मेरी बीवी राखी बांधती है तुम्हें, तुम मुझे नहीं मार सकते है? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, तुम कहो तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। देखो मेरी बीवी है, छोटी बच्ची है, मेरे से कोई नहीं है उनका, मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे भी फंसा सकते हो? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। फैमिली भी अजीब फंडा है, कभी इंसान को हैवान बना देती है, कभी हैवान को इंसान। बहुत लकी है तू, बच गया। अरे भैया आप कब आए? अभी अभी आया भाभी। नमस्ते। इन्हें क्या हो गया? इमोशनल हो गया, बहुत चाहता है आप लोगों को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पापा की लाडली क्या बनना चाहती है? सिंगर बनना चाहती है। हाँ, अच्छा? का बहुत शौक है इसे। गाओ बेटा, अंकल को कोई गाना सुनाओ, गाओ ना। हर घड़ी बदल रही है, चल कर देखते हैं। वाह 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 वाह, चलता हूँ। भैया कुछ खा के तो जाइए, किसी और दिन खाना खाऊंगा। थैंक यू। तुम्हें क्या हो गया था?
और ये रो रो के इतने परेशान क्यों हो तुम? कौन? पुलिस, पुलिस दरवाजा खोलो। पुलिस और यहाँ नहीं, मैं संभालूंगा, तुम दरवाजा खोलो। श्वेता फोन उठा लेना। यस मम्मी। हर पल ये जी भर दिए थे। कल हो न हो। चंद खुद कर्जों की वजह से तुम्हारी पूरी कौम बदनाम होती है, मगर तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम वो लोग हो जो अपने फायदे के लिए अपनी मां को भी बेच सकते हो। मुझे बताया गया कि तुमने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, किसी से बात नहीं की। अच्छा है, हम भी यहां तुमसे कुछ सुनने या बात करने नहीं आए। मुंबई की अदालत में तुम्हारी तारीख के हमें तुम्हें वहां ले जाना है और हम ले जाएंगे। तुम्हारे आतंकवादी साथियों ने तुम्हें बचाने के लिए हमारे 8 पुलिस वालों की जाने लिए, हिसाब तो वो भी चुकाना है और हम चुकाएंगे। हम भी यहां मरने मारने के इरादे से ही आए। देख बे अंसारी बाबू, इंसाफ 2 तरीके के होते हैं। एक जो अदालत के अंदर होता है, जो बड़े बाबू समझा गए, और दूसरा वो जो अदालत के बाहर होता है, जो मुझे सूट करता है। और मेरे हिसाब से तो जैसे आदमी के लिए वही ठीक रहेगा। याद रखना, रास्ते में कोई गड़बड़ की तो वही तेरा इंसाफ कर डालूंगा। ना अदालत, ना वकील, ना जज, एक गोली केस डिसमिस। पिछवाड़े से गोली मारूंगा, पेजे से बाहर निकालूंगा, समझे? ए जूनियर, देखा कैसे पेला उसे। हाँ, इसमें क्या बहादुरी है, वो भी तो कार्डबोर्ड टारगेट ही है, पलट कर वार नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है, बेस्ट बेस्ट। ओ, हिसाब बराबर है तेरा मेरा भी। राइट्स। अंसारी, उसकी खामोशी, चौक पे हमला, मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे। मिस्टर श्रीवास्तव, जितनी जल्दी आप उसे यहां से ले जाएं, मुझे बड़ी राहत मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। शुभकामनाएं दे रहे हैं या शोक संदेश सुना रहे हैं? सर, महालक्ष्मी नाम की एक औरत का फोन आया है, लिटिल एंजल स्कूल से बोल रही है। उसे शक है कि उसके घर में जो लोग ठहरे हैं वो आतंकवादी हैं। लिटिल एंजल स्कूल, टेमिना का। उसे कहूं वहां सामने एक टेलीफोन बूथ है, वहां पुलिस का इंतजार करे और किसी से कुछ ना कहे। यस सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग भी टीम के साथ। श्योर। यस सर। हाँ अनंत, जिस फोटोग्राफर भागोल को तुमने वॉच करने के लिए कहा था, उसका और उसके बीवी बच्चों का किसी ने खून कर दिया। उसके घर को उड़ाकर 4 पुलिस वाले भी मारे गए। अंसारी ने कुछ कहा किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, एनी लीड्स?
सर वो अभी अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आतंकवादियों के ठिकाने के सुराग कुछ मिले हैं। जी सर, हम लोग वहीं जा रहे हैं सर। देखिए सर, मैं चल सकता हूँ सर, मैं दौड़ भी सकता हूँ सर। देखिए, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते डार्की। थैंक यू सर। साथ लेकर भी नहीं जा सकते। मैं आपके काम आऊंगा सर। थकान है, कमजोरी है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम्हें काम की नहीं, आराम की जरूरत है। पेट्रोल है? आप तो बड़े रिलैक्स से सो रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना। वहां फोन आया था महालक्ष्मी का। अरे महालक्ष्मी, नाम से लगता है 75 साल की बुढ़िया। सन 1936 की पैदाइश। टीवी देख देख के बोर हो गई, बोला मोहल्ले में धाक जमाती हूँ। एक फोन कर दिया पुलिस वालों को ताकि टीवी में उसका नाम आए, उसकी फोटो आ जाए। सर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अरे पुलिस वालों का कोई इंस्टिंक्ट होता है, हर पुलिस वालों के पास ऐसा नहीं होता है। भगवान की मेहर है। अरे अपने अंदर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग इंस्टिंक्ट है, देख लेना, गलत नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म वाले मागे, सादे ड्रेस वाले माझ्या बरोबर, तेच आपलं नेहमीच। चला। क्या बोला तेरे को? एक्सक्यूज मी, आप ही ने फोन किया था? हाँ हाँ, मैंने ही किया था। वाह, सन 36 की पैदाइश है आपकी। आई गो, आपको कैसे मालूम? कहाँ है वो लोग? वो लोग घर में हैं, रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? मैंने बताया आप लोग आ रहे हैं। आपने क्यों बताया हम लोग आ रहे हैं? तभी तो वो चुप हो गए ना, आपका वेट कर रहे हैं। हम पुलिस वालों का वेट कर रहे हैं? हाँ, आप पुलिस वाले हैं? तो और नहीं तो क्या? आप टीवी वाले नहीं हैं? हम टीवी वाले? मेरे पोते टीवी पर मैच देख रहे थे, टीवी बंद हो गया। रिपेयर वाले को फोन करके मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। आप महालक्ष्मी नहीं है? मैं तो सपना हूँ, सपना। सर आपका ये इंस्टिंक्ट तो फेल हो गया, पास तो उधर हो गया है। ये नीली आंखें मरवाएंगी। मैम सिर्फ इतना बताइए कि एक मिनट, आप मुझे बताइए, इंस्पेक्टर शेखर वर्मा इनका सीनियर रूम है, बोलिए। इनके भी सीनियर आ गए हैं, हमारे डीसीपी साहब, आप उनसे बात कीजिए। आयुषा अभी तक कोई बाहर नहीं निकला? जी नहीं, मैं बाहर दुकान पे खड़ी देख रही थी, अभी तक तो कोई बाहर नहीं निकला। कौन से कमरे में? What on earth is going on? यहाँ पर गोली चलेगी? हाँ चल सकती है। आप अपने स्टाफ और बच्चों से कहें कि अंदर जाएं और कमरा बंद कर लें, बाहर ना निकलें जब तक मैं ना कहूँ। सावन। Yes sir। चलो बच्चों, चलो बच्चों को अंदर ले। बर्तन गरम है सर। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ से निकले। इलाके में बोलो नाकाबंदी लगा दें। यस सर। चाहिए इसकी तो माँ भी नहीं पहचानी किसको। पॉइंट ब्लैंक पे तो थोबड़ा उड़ा ले, बंदूक भी अंदर रख के चले गए वो लोग। सर हाथ भी जला दिए, फिंगरप्रिंट के भी चांस नहीं।
सवाल है ना, उनके जवाब मैं खुद आके पुलिस स्टेशन में दे दूंगी, लेकिन अब उस लाश को क्लियर कीजिए। ओ भाई, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे लाश हम लेके आए थे। 10 दिन से आपके वहाँ मेहमान बनकर बैठे वो लोग। देखिए, ट्रस्ट वालों ने कमरा किराए पे दिया था, उन्हें क्या पता था कि ये लोग टेररिस्ट हैं? कमरा देते हुए ने कहा कि यहाँ पे राइज की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करने आए हैं वो। तो ईमानदार क्रिमिनल तो थे वो लोग, शूटिंग बोल के आए थे, शूटिंग करके गए। यू थिंक दिस इज फनी? दिस इज सम काइंड ऑफ अ जोक टू यू? ए राघवली, थम्स अप दे रे भाईला। जस्ट 1 सेकंड मैम, सिर्फ इतना बताइए कि आपने आज क्यों फोन किया? बिकॉज ऑफ दिस, अ बुलेट। ये आज मेरे बच्चों को उनके कमरे के नीचे खेलते हुए, इसलिए आज फोन किया। ओके, लुक मैम, इट्स इंपॉर्टेंट, जो लोग यहाँ ठहरे थे क्या आप उन लोगों को पहचान लेंगी? सबके चेहरे को मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन शायद एक दो को मैं पहचान लूंगी। लेकिन आज सुबह जो आदमी आया, उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। मैडम, आई डोंट थिंक यू आर सेफ हियर एनीमोर। इनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एसपी विभाग से बात करना, एक कांस्टेबल साथ में, दो घर के बाहर। देखिए, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ अपने घर। मैं तो सिर्फ यहाँ 3 महीनों के लिए बच्चों के साथ वर्कशॉप करने आई थी। लुक, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने अपनी ड्यूटी कर ली और आप लोग यहाँ बुलाया। अब आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए, मुझे सब क्यों घसीट रहे हैं? I don't want your security, damn it. You may not want it, but you need it. देखिए मैडम, आज जिस आदमी के साथ आपका आमना सामना हुआ है, वो भी आपका चेहरा नहीं भूलेगा। He's a very dangerous man. अपने पीछे वो कोई निशान नहीं छोड़ता। उसका नमूना आपने अभी देखा, वो लाश। सर, कल तो हम भी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, क्यों ना इन्हें। सर, गुड थिंकिंग। मुझे हेडक्वार्टर बात करनी होगी। As a procedure, we cannot take her along with us. इसकी क्या गारंटी है कि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा सुरक्षित रहूंगी? वो लोग 10 दिन से यहाँ थे और कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने आपको एक फोन किया और किसी को ये बात मैंने नहीं बताई, अचानक वो लोग सब निकल भागे। It's shocking. किसी पर भरोसा मत करो अनंत, सिर्फ अपनी समझ से काम लो। सर, मैं अपना ट्रैवल प्लान चेंज करना चाहूंगा। जो तुम ठीक समझो करो। राइट सर। और सर, वो जो लड़की, उसका क्या करें? महालक्ष्मी, जैसा कि तुम बता रहे हो, उसकी जान को खतरा हो सकता है, अपने साथ ही ले लो, कोर्ट में काम आएगी। राइट सर। यस सर। सफर का प्लान क्यों चेंज करना चाहते हो? सब अरेंजमेंट तो हो चुका है। हाँ, सब अरेंजमेंट तो हो चुका है। कल सुबह मुंबई एक्सप्रेस से हमारी टिकट बुक है, बोगी नंबर S1, सीट नंबर 24-29। ये आपको कैसे पता चला? टिकट्स तो मेरे ड्रॉअर में है और ये डिटेल्स सिर्फ मुझे मालूम है। ये डिटेल्स और लोगों को भी मालूम है। जिस कमरे में लाश मिली थी वहां मुझे एक कागज मिला। जिस पेपर पर डिटेल्स लिखे जा रहे थे उसके नीचे एक कागज था, इंप्रेशन पे आ गया। तूफान आने वाला है। साहब जी, एक मिनट साहब जी। अंसारी की माँ है सर, वो हरामी कुछ बोलता नहीं है और ये बुढ़िया कुछ सुनती नहीं है। कई दिनों से यहाँ डेरा डाले बैठी है और आज सुबह से पीछे पड़ी थी कि आपसे मिलना है। एक मिनट साहब जी, एक मिनट। सर, वो भेजा खाएगी, मैं उसे भगाता हूँ। ठहरो, गेट खोलो। अंसारी का बेटा, मैं गड़बड़ गवार हूँ समझे, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग कहते हैं मेरा बेटा खतरनाक है। यहाँ जो खून खराबा हुआ वो उसी ने करवाया। अगर ये सच है तो लाजत है मेरी कोख में, जो मैंने ऐसी औलाद पैदा की। लेकिन एक माँ का दिल कहता है कि हो सकता है वो बेकसूर हो।
संझूठ का फैसला तो अदालत ही करेगी साहब। अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते उसे अदालत तक पहुंचाइए साहब जी, उसे रास्ते में गोली मत मारिएगा। तुम अपने बेटे से मिलोगे अदालत में। अरे क्या कर रही हैं आप, खिड़की या दरवाजे के पास खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, कोई भी निशाना बना सकता तुम्हें। मैंने कहीं आपको जोर से तो नहीं पकड़ा? जी कोई बात नहीं। आज सुबह भी इंट्रोगेशन के वक्त काफी सख्ती से पेश आया था आपके साथ। It's all right. दरअसल लड़कियों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ, नर्वस शाय यू नो ऑल द टाइम। मात्रे खांसी के लिए कुछ ले क्यों नहीं लेते? हाँ तो आप कुछ कह रही थी महालक्ष्मी जी। जी नहीं आप कुछ कह रहे थे। देखा पता नहीं लड़की के सामने मुझे क्या हो जाता है, I really don't understand। हैरत की बात है आप पुलिस में हैं और अरे उससे ज्यादा तो हैरत की बात यह है कि आप जैसी सुंदर लड़की चंदनगढ़ जैसे छोटे से शहर के अंदर इतना बड़ा सोशल वर्क कर रही है। I really admire। बचपन से मुझे भी शौक है सोशल वर्क करने का, इसीलिए तो पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। यहाँ के देखा पॉलिटिक्स वायलेंस करप्शन, I hate it। जी करता सबको छोड़ के आपको ज्वाइन कर लूं। मात्रे बेटा कुछ लोगे या मैं दूं? हाँ तो आप कुछ कह रही थी। जी नहीं इस बार भी आप ही कह रही थी। फिर वही, ये सारे कांस्टेबल अच्छे ड्राइवर्स हैं और मुंबई तक के इलाके से अच्छे तरह से परिचित हैं। ये घर पड़े तुम साथ जाओगे? हाँ हाँ डीसीपी साहब हैं, पर आप नाम तो बताइए। कौन है अश्विन? सर आपसे कोई बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा तो बोले आपके पुराने दोस्त हैं, पर नाम नहीं बता रहे। हेलो, वेलकम, वेलकम टू चंदनगढ़। कौन? अफसोस आज आप हमारे घर आए और हम नहीं थे। वैसे जब आप वहां थे तो हमने आपसे बात करने की कोशिश की। घंटी बजती रही लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। आपका दिमाग अभी भी तेज है डीसीपी साहब। गुड, शिकार जितना ही तेज और चालाक हो शिकारी को उतना ही मजा आता। कौन शिकारी है कौन शिकार ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। स्टेशन के पास कोई जगह है, ट्रेन की आवाज आ रही है। चुप क्यों हो गए दोस्त? कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे जानते हो। आप अपने पुराने दोस्तों को भूल गए होंगे डीसीपी साहब, लेकिन मैं नहीं भूलता। किसी बार ये रेस्टोरेंट में है, स्टेशन के पास आई कैन हियर इट। ना भूलता हूँ ना माफ करता हूँ। सर सॉरी सर, शहर के सारे बार और रेस्टोरेंट तो बंद है बिकॉज़ ऑफ नाइट कॉल। सारिका एक मिनट देखो कौन आया है। मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, आप देख लो ना प्लीज। कौन है आप, किससे मिलना है? He's inside my house, मेरे घर में। मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं डीसीपी साहब, अंसारी तक भी पहुंचूंगा। आज आप लकी रहे, बच गए। आपको हर बार लकी रहना पड़ेगा और मुझे सिर्फ एक बार। हेलो हेलो, देखो मेरी बीवी और बच्चे को अगर तुमने छुआ। गुड नाइट। हेलो जय। बोलो अनंत। हाँ वहाँ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्यों? सारिका वो यहीं पर है। हाय पापा। हाँ क्या बात है? नहीं बस यूँ ही तुम लोग की याद आ रही थी। वो कांस्टेबल्स बाहर है ना? हाँ है। ओके अनंत तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं ठीक है, तुम लोग सो जाओ सो जाओ। See you soon. Bye.
अच्छा लगा। क्या मतलब? डेंजर जब मुझे छू के निकलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे मौके के ताड़ में रहता हूँ। बचपन से मुझे यू नो डेंजर से खेलने का बहुत शौक। शेखर वहाँ डेंजर, जहाँ डेंजर वहाँ शेखर। वेरी इजी। अब आप ये मिशन को ही देख लीजिए, चंदनगढ़। जैसे ही मुझे पता चला सीधे कमिश्नर के पास पहुंच गए। मैंने बोला कमिश्नर जी जहाँ डेंजर है आप मुझे लीजिए। उन्होंने मुझे समझाया भाई देखिए पहले सबसे पहले ग्रुप लीडर को चुनते हैं। मैंने बोला सर ग्रुप लीडर आप चुनते रहिए जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे लीजिए क्योंकि इसमें डेंजर है, शेखर यहाँ जाएगा। सुनिए आप तो जानती ही हैं कितना पॉलिटिक्स होता है यहाँ, है ना। लेकिन मैंने भी रिस्क नहीं लिया, फटाफट मिनिस्टर से फोन करवाया कमिश्नर को। उन्होंने समझाया आप शेखर को लीजिए इस मिशन में क्योंकि शेखर ईमानदार है, शेखर बहादुर है, बहादुर है, शेखर होनहार है, होनहार है, शेखर इज अ गुड बॉय, शेखर के बिना ये मिशन इम्पॉसिबल है। आप मेरी बात सुनिए, आप जानती हैं मुझे कहाँ भेज रहे थे? वो कह रहे थे कि शाहरुख के प्रीमियर को ले जाइए बच्चों को, वहाँ फोटो वोटो खिंचवाइए। अब हम बहादुर के लिए यही काम रह गया। गया साहब साहब फक्कड़ चाह। ए गद्दार भाई, इकबाल भाई, ये ले खाना खा ले, अरे भूखा मर जाएगा। वैसे भी पुलिस वाले बड़े बदनाम होते हैं ना, मरेगा तू और आरती हमारी निकलेगी, काय को परेशान करता है, ले खा ले। क्यों रे मात्रे, क्यों परेशान करता है इसको बाबा, खाना नहीं खाता है, भूख लगेगी तो खाएगा ना। ए कुछ खाएगा? नहीं खाएगा। कुछ पिएगा भाई? नहीं। अरे भूख लगेगी तो मुंह खोल के मांगेगा ना। साहब ने खिलाने को बोला। साहब ने बोला है? हाँ। देखो भाई साहब ने बोला है कुछ खाना है। क्यों रे नमक हराम, नमक पचा नहीं के तेरे अंदर? हाँ चाइला, ये बोल दे साहब को जो इसे खाना था खा लिया, शाम तक भूख नहीं लगेगी, बड़ा देखे जा। हाँ जय, हाँ रिसेप्शन का मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया, हाँ केटरिंग वालों से भी बात हो गई, खाने पीने के मामले में कोई कंजूसी नहीं होगी। देखो वो फ्लावर अरेंजमेंट वाला तुम्हारे पास आएगा, बहुत सारी तस्वीरें दिखाएगा, बजट देख दाग करके सोच समझ कर बात करना। हाँ लड़के के लिए गिफ्ट लाऊंगा, डोंट वरी। सारिका से कहना वो इसके लिए मैं बहुत बढ़िया गया। अरे एक मिनट, ये कौन सी गाड़ी है? सर ये पैनेरा है, जर्मन मेड। पैनेरा जर्मन मेड की गाड़ी ला के दो। कितने दाम की? क्या दाम? सर ये 5,000। हाँ ऐसा करो उसे कहना 3-4 घड़ियां ला के दे। नहीं नहीं सर। हाँ सर ये 5,000 रुपए की नहीं, $5,000 की है। फोन। हाँ जया मैं सुनो, ऐसा करते हैं कि वो अपनी इंडियन घड़ी दे देते हैं। हाँ मैं बात करता हूँ। गिफ्ट में मिली है। मैंने इससे कुछ पूछा? महालक्ष्मी जी जागिए, महालक्ष्मी जी जा। ड्राइवर के पास बैठे बैठे सोने से ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, बात करिए। बोलती तो आप ही हैं, आप ही कुछ बोलिए। ताना दे रही है आज। अच्छा 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 एक बात बताइए, ये महालक्ष्मी नाम कैसे पड़ा? पड़ा नहीं, माँ बाप ने रखा है। क्यों कुछ प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपसे जब भी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बिल्डिंग से बात कर रहा हूँ। हाँ देखिए ना, मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग आपके नाम से जुड़ी हुई, जैसे महालक्ष्मी चेंबर, महालक्ष्मी डिपार्टमेंट, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, महालक्ष्मी सोसाइटी, महालक्ष्मी स्टेशन, महालक्ष्मी रेस कोर्स और महालक्ष्मी लॉटरी अक्सर निकालता हूँ, आज जाके लगी है। शूटिंग। शूटिंग कहाँ? अरे रैम्बो फिल्म शूटिंग है, बार बार तंबू लेके मत खड़ा हो जाएगा। काश अपनी जिंदगी भी इन फिल्मों की तरह होती। बहुत मजा आता है।
क्या मजा आता? अरे पूछो मत, बहुत मजा आता। आदमी जो कहता खुल खुल के कहता, झूम झूम के कहता, थुमक थुमक के कहता, बहुत मजा आता। आपको नाचना आता है? अरे ये नीली आंखें मरवाएंगी। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा। तेरा जीत के दिखलाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। बड़ी तड़प है बड़ी कशिश है मेरी तो चाहत में, लड़िया पहनाऊंगा देखेगा सारा जहां तुझे ले जाऊंगा। दिल डूबा ही एक कच्चा रास्ता है, वहां से जाएंगे तो 4 किलोमीटर में हाईवे टच करेंगे सर। We'll be right back.
बुलाओ। क्या मुश्किल में पड़ गए डीसी में, अब क्या करेंगे बोलिए, किसे ढूंढ रहे हैं? पात्र अंसारी पर नजर रखो, मैं आता हूं। प्रोफेसर के पीछे क्यों भागा तू? किसने बोला था तुझे? हाँ? भगवान का शुक्र है सर, कुछ हुआ नहीं। हाँ लेकिन हुआ क्यों नहीं कुछ? वो इतना बेवकूफ तो है नहीं कि अपनी जान पे खेल के अपनी शक्ल दिखा के भाग जाए। कुछ तो करने आया था, पर किया क्यों नहीं? क्या साला कुछ करके चला गया? अंसारी की वैन के ऊपर मैं था, मैंने किसी को भटकने नहीं दिया। रही बात ये जीप की, जीप के पास कोई
लगता है सिविलियंस है, ये सब देखकर डर गए। हो सकता है कोई ये देखने आया हो कि कौन बचा और कौन मरा। एक प्रॉब्लम है सर, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? थोड़ी देर के लिए अंदर रहना चाहते हैं। डिमेलो साहब घर में नहीं है। मैं बात करूंगा डिमेलो साहब से, चंद घंटों की बात है। साहब नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना चंद घंटों की बात है। हमारे साहब कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये तो वही है ना साहब, पाकिस्तानी एजेंट, इसको तुमने टीवी में देखा था अपने घर में। और कौन कौन है घर में? सिर्फ रामदास काका और मैं, नंदन। मैं यहाँ खाना पकाता हूँ। मेरा नेटवर्क नहीं लग रहा है, तुम्हारा लग रहा है? यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता साहब। हाँ ये हमारा फोन काम करता है। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। कमलेश। जी सर। अंसारी को अंदर लेकर जाओ, साथ में रहना। गड़बड़े चलो वाहन को ठीक करो। यस सर। शेखर, अश्विन, यस सर। मात्रे, जितने एंट्री एग्जिट है सबका सील करो। ओके सर। सर आनंद बोल रहा हूँ सर। सर वो हमारी जीप पर अटैक हुआ, ब्लास्ट हो गई। नो कैजुअल्टी सर, बट वी नीड हेल्प। अब तुम जहाँ हो मुझे एग्जैक्ट जगह बता दो, मैं फॉरन पुलिस टीम भेज रहा हूँ। सर ये पीरवा रोड है, उसके बगल से एक कच्ची सड़क जाती है, सामने मकान है वहाँ पर सर। ओके, और सुनो वहाँ से हिलना मत, डोंट मूव। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ए फोन का पैसा कौन देगा? हाँ ए आपसे क्या पूछता है, कितना हो गया? मैं देता हूँ। जी सर, कितना हो गया रे? 30 रुपया। 30 रुपया? रुको, यहाँ पे आप लोगों के जेब में पैसा कहाँ से होगा? आप लोगों का सब काम फोकट चलता है ना। ए क्या है, ठीक है पैसे मैं देती हूँ। दे दे। मैं दे देता हूँ आपको बाद में। याद से लेना, ये लोग लेना जानते देना नहीं जानते। अरे हट रहे। महालक्ष्मी जी आप डरिएगा मत, आइए। अरे डर कौन रहा है? देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ चूहा हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, सांप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं डरती, इट्स फाइन। आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? जी नहीं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? बचपन में डर लगता था। किससे? जब मैं सोती नहीं थी तो माँ कहती थी कि सो जा बेटी सो जा, वरना पुलिस वाले आ जाएंगे। आपने तो पुलिस वालों को गब्बर सिंह बना दिया। अरे यहाँ देखिए, सच कह रहा हूँ, यहाँ भूत भूत बहुत होते हैं, भैंसे के भी हो सकते हैं। भूत? लेकिन आप घबराइएगा मत, मैं हूँ ना, जहाँ डेंजर वहाँ शेखर। आप इधर बैठिए, मैं पूरी रात रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। भूत की तो ऐसी की तैसी। आप एक काम कीजिए, ये कंबल लीजिए और सो जाइए। सोइए ना। I am fine. आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे कैसे नहीं करूँ, भूत भूत होता है, कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? ए काका, पुलिस वाले को डराता क्या? बत्ती नहीं थी ना काका, यहाँ भूत है। 18। सुना सुना, 18 भूत, सुन लो अब बोलो। How exciting! वैसे भूतों के बारे में बहुत सुना था लेकिन कभी देखा नहीं, लेकिन आप जैसे बहादुर यहाँ रहेंगे ना
तो भूत आएगा नहीं. सो प्लीज गो एंड लेट मी एक्सपीरियंस दिस. गुड नाइट. अरे मेरी मेरी बात तो सुनिए महालक्ष्मी जी, मेरी बात सुनिए, वो टॉर्च तो दे दीजिए. मैं अंधेरे में नीचे कैसे जाऊंगा? ओ काका, ओ काका, ओ काका, मुझे नीचे तो ले जा. साहब चाय लीजिए. आप अपने पुराने दोस्तों को भूल गए होंगे डीसीपी साहब, लेकिन मैं नहीं भूलता. ना भूलता हूं ना माफ करता हूं. ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? ये वही पांच गुंडे हैं जिन्होंने 3 दिन पहले बैंक लूटा था. यहां छुपे हुए थे. मैंने सरेंडर करने को कहा तो मुझ पर गोली चलाई, पुलिस पर गोली चलाई. सेल्फ डिफेंस में उन्होंने रिटर्न फायर किया तो बेचारे मारे गए. क्या करें. ज्यादा चलाक मत बनो आंग्रे. जिन लोगों ने बैंक को लूटा था उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता, और ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही है कि तुमने उनसे पैसे खाकर इन बेकसूर लोगों को मार दिया है ताकि केस रफा दफा किया जा सके. लेकिन इस बार तुम्हारी ये कहानी चलेगी नहीं. मैं भी यही सोच रहा था. कहानी में कोई कमी रह गई है. वहां 4 पड़े हैं या 1 पड़ा है. मेरी फायरिंग में 5 मरे और इनकी फायरिंग में 1 पुलिस वाला नहीं मरा. कम से कम 1 पुलिस वाले को तो मरना चाहिए, और अगर वो कोई सीनियर ऑफिसर हो तो कहानी में जा. हॅलो हॅलो. हा डिमोला साहब, मी फोन केला होता. साहेब हॅलो हॅलो हॅलो. कट कसे हो गया? बुलाओ सबका, निकलेंगे हम लोग. सर
क्या लिखा है? अंसारी को बाहर भेजो, नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं। अश्विन कितने राउंड है तेरे पास? 3। 7 सर। माथे? 2 सर। मेरे पास एक अच्छी चाल चली दुश्मन ने हमारी गोलियां खत्म करवा करके सदे की बात कर रहा है। कितने राउंड तुम्हारे पास शेखर? शेखर क्या कर रहे हो? शेखर इस कुत्ते को बाहर फेंक देते। Are you mad? इसे हम नहीं छोड़ सकते। इसे साथ रख भी तो नहीं सकते। नायडू साहब से मेरी बात हुई है, पुलिस पार्टी अभी आती है। कब आएगी पुलिस पार्टी? कब आएगी? हम सबके मरने के बाद आएगी पुलिस? पंचनामा करने, लाशें गिनने? आप क्या चाहते हैं? हम बैठे बैठे इसी उम्मीद में मर जाएं? हम लड़ेंगे शेखर। कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? उनकी गोलाबारी हमने देख ली, हमारे पास क्या? 7, 3, 2, 1। सर आज इस कुत्ते को छोड़ते हैं, जिंदा रहे तो कल पकड़ भी सकते हैं। They have left us with no choice. We don't stand any chance. सब के सब बेमौत मारे जाएंगे यहाँ। अगर मौत से इतना डरते हो तो खाकी क्यों पहनी तुम्हें? खाकी पहनने का मतलब समझते हो? फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना। Understand? Yes, I understand. I understand you, old man. तुम एक नाकाम पुलिस वाले हो, एक नाकाम पुलिस वाले। माना कि जिंदगी में तुमने किसी से कुछ लिया नहीं, लेकिन कुछ किया भी नहीं है। सारी उम्र डिपार्टमेंट के धक्के खाते रहे हो, सठिया गए हो अपने बुढ़ापे में। सोचा कि ड्यूटी करते हो मर जाओगे, अमर हो जाओगे, नाम होगा, फैमिली को मेडल शेडल मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस खुदगर्ज मकसद के लिए हम नहीं मर सकते। हट जाओ रास्ते से, हटिए। जब तक जिंदा हूं इस मिशन का इंचार्ज मैं हूं, ये कहीं नहीं जा रहा, ये मेरा ऑर्डर है। भाड़ में गए तुम्हारा ही ऑर्डर, भाड़ में गई ये ड्यूटी, और भाड़ में गए तुम। आप बेईमान हो वो तो मालूम था, मगर आज ये भी देख लिया कि आप कायर भी हो। बेवकूफ, मैं सबके लिए लड़ रहा हूं। बात आपकी या मेरी जान की नहीं, अब बात मेरे जमीर की है, और मेरा जमीर कहता है कि डीसीपी साहब ठीक कह रहे हैं, बंदूक नीचे कर लो। तुम मुझे गोली चलाएगा? हाँ, इस आईएसआई एजेंट के लिए मुझ में गोली चलाएगा? इस गद्दार की वजह से मुझ मार मार दे, मुझे खत्म कर दे। तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे चुराने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं? नहीं, ये लोग मुझे मारना ही चाहते हैं। कब से ताने सुन रहा हूं मैं, कहता ऐसा का एजेंट पाकिस्तानी। एक हिंदुस्तानी होने की कीमत चुका रहा हूं मैं, एक ईमानदार हिंदुस्तानी होने की कीमत। मैं गलत काम नहीं करूंगा। इन 3 लाशों का फिर से पोस्टमार्टम करना जरूरी है। इनका डेथ सर्टिफिकेट मैं अभी इशू नहीं कर सकता। आखिर क्यों? उधर आरएमओ साहब चिल्ला रहे हैं। क्योंकि ये लोग दंगों में नहीं मारे गए हैं, इनको जहर देके मारा गया है, और मार काट के जख्म बाद में किए गए हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इससे आपकी नौकरी खतरे में। आई एम सॉरी, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मैं झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा। सुनिए सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा नाम भास्कर जोशी है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। जिन 3 लाशों का डेथ सर्टिफिकेट देने से, देखिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक पुलिस केस है। पुलिस भी साजिश में मिली हुई है सर, और इस मामले में एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है। देवधर? जी हाँ, हमारे मिनिस्टर देवधर, जो आज शांति की अपील कर रहे हैं, ये दंगे भी उसी ने करवाए। क्यों? कई वजह हो सकती है सर, और ऐसे न जाने कितने जुर्म किए उसने सत्ता के लिए, जिनका काला चिट्ठा इन 3 सोशल वर्कर आशीष गर्ग, नारायण राणे और वैशाली शिंदे ने इकट्ठे किए थे, जिससे कि उसका पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन देवधर को इस बात का पता चल गया, उसने तीनों को मीटिंग के बहाने बुलाया और जहर देकर मार दिया, और लाशों पे मारपीट के जख्म बनाकर लाशें फेंकवा दी दंगे वाली गलियों में, ताकि सभी ये समझे कि ये भी दंगे में मारे गए।
आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे पास देवधर के वो काले कारनामों की फाइल है। अगर आप मुझे इन तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दें, तो मैं अखबार में छपा दूंगा विद प्रूफ। ये हैं वो रिपोर्ट्स। और अगर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड, कल का अखबार आप जरूर देखें। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया? कल रात मैंने जो पैंट पहनी थी उसमें एक कार्ड है, वो लेके आना जरा। पहले कुछ खा तो लीजिए। अनीसा, खा लीजिए ना भाईजान, हमें अगर इतनी मोहब्बत से कोई खिलाता तो हम तो जहर भी खा लेते। तू चुप कर, कल रात को तू देर से आया था ना, तुझे मालूम है शहर के क्या हालात है? हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं होगा भाभी जान, यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। लोग तो सभी अच्छे ही होते हैं तौफीक, हिंदू हो या मुसलमान, सब शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन एक अम्बख्त पॉलिटिशियन से इकबाल जी। अमी, क्या बात है बेटा? बहू बता रही थी कल रात से परेशान है तू। नहीं कुछ नहीं, फिक्र मत कर, अजमेरी शरीफ जा रही हूँ, शांति अमन की दुआ करूंगी। जफर भी अजमेर शरीफ जाना चाहता है, इसकी छुट्टियां चल रही है। मैं सोच रही थी कि नहीं, जफर नहीं जाएगा। प्लीज अब्बा, प्लीज 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 अब्बा, प्लीज नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। ठीक है, लेकिन दादी को ज्यादा तंग मत करना। थोड़ा करूंगा, चलेगा। शरीर कहीं का। दादी के साथ अजमेर जाएगा। अच्छा सुनो, ट्रेन 5 बजे चलोगे ना? अम्मी मैं आपको छोड़ दूंगा हॉस्पिटल जाते जाते। अम्मी चाय लीजिए। भाभी भास्कर, अरे तुमने तो कहा था कि देवधर के बारे में तुम सब कुछ छाप दोगे मेरी रिपोर्ट के साथ, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं छपा? कौन? मैं डॉक्टर इकबाल अंसारी। शाने, क्या जानता है तू देवधर के बारे में? क्या बताया उस प्रेस रिपोर्टर ने? आप नहीं जानता रहे मेरे को? चिंता मत कीजिए, वो अब ठीक है। हाय सर, मैं जयंती भाटिया आज तक से, हम जानना चाहते हैं दंगों के बारे में इस हॉस्पिटल में। आप इसके बारे में आरएमओ सर? प्लीज सर। भास्कर, भास्कर, भास्कर क्या हुआ? गेट द थिएटर रेडी फास्ट। भास्कर क्या हुआ? हाँ क्या? क्या भास्कर? सर आपका फोन। हाँ हेलो। ए शाने, क्या कुछ बोला रे? भास्कर ने मरने से पहले तुझको ठीक ठीक बता, कहाँ है वो फाइल? तुम लोगों ने भास्कर, अबे जो मर गया उसको भूल जा, जो जिंदा है उनके बारे में सोच। और वैसे भी तुम लोगों के लिए माहौल ठीक नहीं है आजकल, समझा बे? ए बकवास बंद कर तू, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, और अगर होती तो भी मैं नहीं देता तुम लोगों को। देवधर जैसों को तो बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। बंद करो ये डॉक्टरी का नाटक, तुम जैसे बेईमानों की वजह से आज पूरी कौम बदनाम है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और क्या, जाकर देखो अपने घर पर, तुम्हारे घर से हथियार और बारूद बरामद हुए हैं। हाँ हाँ जाओ, जाके देखो, दंगाइयों ने तुम्हारे घर को भी जला दिया है। जाओ। तेरी जान बच सकती है, अब भी बता दे देवधर की फाइल के बारे में। देखा ना,
सिर्फ एक बक्सा माल उतारा था तेरे घर में और घर धुआं हो गया। इतनी देर चुप क्यों रहे तुम? क्या बोलता मैं और किससे बोलता ऑफिसर? हाँ, उस पुलिस से जिन्होंने खुद मेरे घर पर हथियार छुपाकर मुझको फंसा दिया, या उस प्रेस से जिन्होंने बिना सच्चाई जाने आतंकवादी होने की स्याही मेरे मुंह पर पोत दी? किसे बोलता मैं? मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मेरा मरना तो तय है। और अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो मुझे यहाँ छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से मुझे ले जाने के लिए नहीं, मेरे साथ मरने के लिए भेज दिया गया है। शेखर अंसारी को संभालो। अश्विन। गुड इवनिंग। सॉरी, बिना बुलाए बेवक्त आ गया, क्या करें, सरकारी काम है ही ऐसा। हैरान क्यों होते हो डीसीपी साहब? ये काम मैं उसी सरकार के लिए कर रहा हूं जिसके लिए तुम करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम तनख्वाह चेक में लेते हो, मैं कैश में लेता हूं और तुमसे थोड़ी ज्यादा लेता हूं। पॉलिटिक्स है भी अजीब फंडा, तुम्हें भेजा मुझे रोकने के लिए, मुझे भेजा तुम्हें ठोकने के लिए। कहाँ है डॉक्टर अंसारी? शेखर शाणा भी गायब, बच्चा अश्विन भी गायब। खेलना है, चलो खेलते हैं। नटवाडू निकालो सालों को। लक्ष्मी, तू शनाख्त करेगी मेरा? मुझे, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया था? चुप कराओ उसे मैक। छोड़ दो। मरने के लिए बहुत उतावले रहते हो डीसीपी। बीबी खूबसूरत, बेटी खूबसूरत, तू बदकिस्मत उनका भी ना रहा। सारी जिंदगी खाकी पहने ड्यूटी ड्यूटी करता रहा। खैर, तुम्हारे जाने के बाद मां बेटी दोनों का ख्याल मैं रखूंगा। नो, मैक, इसकी कनपट्टी पे बंदूक लगा। अगर डीसीपी अपनी जगह से हिलेगा तो सबको भून देना रे।
अपने साहब को थप्पड़ मार। नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं मारेगा तो तेरे साहब का भेजा बाहर आ जाएगा। मैक, कलवा। हाँ सर। सुनाई दिया? नहीं सर। जब मुझे पड़ी थी तो सुनाई दिया था? हाँ सर। वहां सुनना चाहिए। मैक, कलवा। सुना सर। मुझे मार दो साहब, मुझे मार दो साहब। वो बाद में, पहले तेरे साहब का भेजा बार आएगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। समझ गया। मैक, नहीं साहब। खाने वाला भी रोए और मारने वाला भी रोए। तेरी मार मुझे यहां लगी, यहां यहां चमड़ी पे। मेरी मार तुझे यहां लगी, आत्मा पे। इसे कहते हैं मार। जो तूने मेरे साथ किया, मैं चाहता तुझे जेल से आते ही तुझे खत्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि जान तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फर्ज, इज्जत, आत्मसम्मान, यही तेरी जिंदगी है। पहले मैं इसे उतारना चाहता था, खरोच खरोच कर। आज मौका मिला है। नाकाम लौटोगे तुम, बदनाम होगे तुम, उतरेगी वर्दी, थूकेंगे लोग तुम पर, तब सुकून मिलेगा मुझे। तुम्हारे सोचने बोलने से क्या होगा अमर? तूफान ही फैसला करेगा रोशनी का। दिया वो चलेगा जिसमें तुम हो। सर, कुछ लोग गोडाउन के अंदर छिपे हैं। जाना चाहिए। शेखर, तू तो हॉस्पिटल, जल्दी। हाँ।
अधिकारी ने कुछ कहा? आतंकवादियों के ठिकाने के सुराग कुछ मिले? उन्हें कैसे पता चला कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं? सर, मैं अपना ट्रैवल प्लान चेंज करना चाहूंगा। हेलो 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 अनंत, वेर आर यू? मैंने पुलिस टीम वहां भेज दी थी और तुम कहां? और वो जो अंसारी को गोली लगी थी, वो अंसारी को गोली लगी, ये बात आपको कैसे पता चला? वो एक्चुअली अनंत, वो ये बात तो सिर्फ हम जानते या हंगरे। अंसारी अभी जिंदा है और हम उसे अदालत जरूर ले जाएंगे। बोल देना ये बात अपने बाप से, वो देवधर। मैंने निकाल दी है, लेकिन मरीज की हालत बहुत खराब है, उसे कुछ और दिन यहां रखना जरूरी है। आप लोग वापस जा सकते हैं। ये मिशन आप सबके लिए खत्म। अब तक आप लोग ये बात तो समझ ही गए होंगे कि जिन लोगों ने हमें इस मिशन पर भेजा वो खुद नहीं चाहते कि अंसारी अदालत तक पहुंचे। फिर भी अगर हम ये लड़ाई जारी रखते हैं तो हमारी लड़ाई सीधे सरकार के साथ होगी, पूरे सिस्टम के साथ हमें लड़ना होगा। ऐसे में अंसारी को अदालत तक पहुंचाना थोड़ा नामुमकिन है। और मान भी लीजिए कि हमने अंसारी को अदालत पहुंचा दिया, सरकार हमसे बदला लेगी, सस्पेंड कर देगी हमें, नौकरी से निकाल देगी, हो सकता है जेल भी हो जाए। मैंने तय कर लिया है कि मैं आखिर तक जाऊंगा। आप लोग जवान हैं, आप लोगों के सामने सारी जिंदगी पड़ी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग वापस लौट जाएं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सारे नेक काम अकेले अकेले करना चाहते हैं। वेरी गुड सर। ओके, आई हैव बीन अ बैड कॉप, फाइन, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक मौका मिला मुझे अपने पाप धोने का, वो भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। रात को मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन प्लीज सर, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। अगर आप मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, आखिर तक आऊंगा। लेकिन सर, मैं आऊंगा जरूर। मैं भी आऊंगा सर, आखिर तक। मैं भी आऊंगा सर आपके साथ, नौकरी जाए तो जाए। मैं भी आपके साथ हूं सर, लेकिन सिर्फ अंसारी को लेकर मुंबई पहुंचाने तक, उसके बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहूंगी सर।
ओके। आज के बाद मुंबई के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। नो फोन कॉल्स, नो मोबाइल्स, नथिंग। क्या कर रहा है तू यार? नौकरी छोड़ने की बातें करता है। नौकरी तो मुझ जैसे आदमी को छोड़नी चाहिए, लेकिन देख मुझे, नई शुरुआत कर रहा हूँ और तू कहता कि नहीं मैं नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ेगा भाई तू नौकरी? क्यों छोड़ेगा? क्यों करूँ ये नौकरी? इस मिशन के दौरान ये तो सीख लिया कि जो मैं करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने ये पुलिस ज्वाइन की, वो मुझे करने नहीं दिया जाएगा, और जो वो करवाएंगे वो मेरा जमीर गवारा नहीं करेगा। देन वाई, क्या मैं देवधर और नायडू जैसे अपराधियों को सैल्यूट करूंगा? देख उनके साथ जो, क्या उनकी सेवा करने के लिए मैंने ये पुलिस की वर्दी पहनी? नो सर, आप मुझे एक वजह बताइए कि मैं ये वर्दी क्यों पहनूं? सर, एसपी साहब आए। सॉरी, आई हैड टू इन्फॉर्म। आप लोगों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपको जो भी कहना है जाके कमिश्नर साहब से कहिए, मिनिस्टर साहब से कहिए। हमें तो ऑर्डर्स मिले हैं कि हम अंसारी को अपने कब्जे में ले लें और आप लोगों को रिलीव कर दें। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या ड्यूटी है आपकी? बताइए क्या है हमारी ड्यूटी? सद रक्षण है, खल निग्रहण है, यही लिखा ना हमारे अमले पर, वो पीछे उधर, यही हमारा उद्देश्य है। सद रक्षण है अच्छे लोगों की रक्षा करना, खल निग्रहण है बुरे लोगों का नाश करना। करते क्या है हम लोग? पैसे के लिए, तरक्की के लिए देवधर जैसे पॉलिटिशियन का जूते चाटते हम। ड्यूटी तो डॉक्टर अंसारी कर रहा था चंदनगढ़ में, जब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस हरामी देवधर ने। ड्यूटी इंस्पेक्टर थत्ते कर रहा था, घोरपोड़े कर रहा था वो जवान कर रहे थे जो चंदनगढ़ में बेमौत मारे गए। ड्यूटी, इसी ड्यूटी के नाम पर पिछले 48 घंटे से हम सब मौत के साथ जूझ रहे हैं और हमारा डिपार्टमेंट हमारी ठोकले पर तुला हुआ है। वो हरामखोर देवधर लगातार कानून के साथ बलात्कार किया जा रहा है क्योंकि हमारा ये अफसर नायडू उसका दलाल बना बैठा है। सडम साहब, अपराधी तो छोड़िए, पुलिस डिपार्टमेंट अगर चाहे और सरकार इजाजत दे तो शहर में कोई छोटे बच्चे का खिलौना नहीं छीन सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पुलिस वाले खाकी वर्दी पहने वो गुंडे हैं जो ड्यूटी के नाम पर एक कमजोर बेबस लोगों पर जुल्म करते हैं और कुछ नहीं। बस हमसे बेहतर तो म्युनिसिपैलिटी का वो वर्कर है जो हमारी तरह खाकी पहनता है लेकिन साला गटर में उतरकर शहर की गंदगी तो साफ करता है। मिस्टर सारनम, हमारी ड्यूटी हमसे यह कहती है कि हम अंसारी को अदालत तक ले जाएं और उसे इंसाफ दिलवाएं। सो हम करके रहेंगे। अगर आपकी ड्यूटी कहती है कि आप हमें रोकें तो बेशक आप हम पर गोली चला सकते हैं। ओके, सो
pull that bloody gun out of your holster and shoot you. Get up and die, you say, yes. Hello? Sir, additional commissioner Naidu ka phone hai. Hello? Satam bol raha hun, sir. Hospital gaya tha. Hum unhe le aaye police station. Unhe wahi roko. Yes, sir. Meri baat dhyan se suno. Ye hamari prestige ka sawal hai. Hum? Suno, ye ministry ka order hai. Pustas kar rahe hai, sir. ये वो लोग नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं. खबर मिलते ही हम आपको फोन कर देंगे सर. शुक्रिया मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाने का. जब तक डॉक्टर अंसारी ठीक नहीं हो जाते आप लोग यहीं रह सकते हैं. यहाँ अकेले क्या कर रहे हो शेखर? क्या सोच रहे हो? क्या सोचूं माँ लक्ष्मी, जो सोचा वो गलत, जो किया वो गलत, जो समझा वो गलत. माँ बाप का पता नहीं, कभी देखा नहीं. अकेले पला बड़ा हुआ, हमेशा अपने बारे में सोचा. ना कभी अच्छा इंसान बन सका, ना कभी अच्छा पुलिस ऑफिसर. ऐसा मत कहो शेखर, आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से. हम उस बॉम्ब से बच पाए, मकान से निकल पाए. ऐसी बात नहीं है. यहां तक कि तुम्हारे बारे में मेरे इरादे ठीक नहीं थे. और अब? अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, डीसीपी साहब की तरह. जानता हूं कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते पर चलूंगा जरूर. मैं भी तुम्हारे साथ हूं शेखर, तुम्हारे साथ चलूंगी. प्रॉमिस. इन लोगों को यहां कहीं देखा क्या? ऐसा फाइनल है. क्या कुछ पता चला? आंगरे लगा हुआ है और उस इलाके की पुलिस भी इसे ढूंढ रही है. यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है नायडू, तुम्हारी वजह से. तुमने अपने आदमी से अंसारी के घर में हथियार रखवाए, उसे गिरफ्तार करवाया, लेकिन वो बेवकूफ अंसारी से फाइल तक हासिल नहीं कर सका और तुम लोग उसका मुंह भी नहीं खुलवा सके. वो किस लिए चुप है मालूम? क्योंकि पुलिस पर से उसका भरोसा उठ चुका है और वो मुझे अदालत में नंगा करना चाहता है. और अब वो हाथ से निकल गया. मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे उड़ा देते हैं वहीं चंदनगढ़ में. आपने ही मना किया था कि पहले फाइल का पता करो, किसी और के हाथ में लग जाए. आप परेशान मत होइए, अंसारी मिल जाएगा. नायडू, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? लिफ्ट से. मैं सीढ़ियां चढ़कर आया हूं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं गुनाहों की सीढ़ियां चढ़कर आया हूं. लाशों पर पैर रखकर मैं यहां तक पहुंचा हूं. उनमें से कुछ अपने भी थे. सबको रोंद के मैं यहां आया हूं. ऐसे ही मेरे कुछ कारनामे उस फाइल में बंद है. अगर वो मीडिया के हाथ लग जाए तो कुछ ही महीनों में मैं चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूं. नहीं, नो, नेवर. ये बाजी तो मैं नहीं हारूंगा, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ, अपने जीवन दांव पे लगा दिया है. अंसारी जिंदा अदालत नहीं पहुंचेगा और वो फाइल सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए. सर, मीडिया से कुछ लोग आए हैं, अंसारी के केस के बारे में जानना चाहते हैं. उनसे कह दो हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है. कहने को है, है. उनसे कह दो कि हम अभी आते हैं. सर, जो आज तक तुम और आंगरे नहीं कर पाए वो अब जनता करेगी. चंदनगढ़ दंगों के मुख्य आरोपी डॉक्टर इकबाल अंसारी को चंदनगढ़ से मुंबई लाने गई डीसीपी अनंत श्रीवास्तव की अगुवाई वाली टीम गायब हो गई है. पुलिस महकमे को शक है कि पूरी टीम ने आईएसआई से हाथ मिला लिया है और उन्होंने अंसारी को फरार कर दिया है. इस टीम में डीसीपी अनंत श्रीवास्तव, सीनियर इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते, हेड कांस्टेबल कमलेश सावन और कांस्टेबल गजानन महात्रे शामिल हैं. इनके बारे में आपको कोई भी खबर मिले तो फौरन पास के पुलिस स्टेशन को सूचित करें. Oh.
अंसारी क्या कर रहे हो तुम? बेकार साहब, बेकार। क्यों बचा रहे हैं आप मुझे? मर जाने दीजिए। तुम्हें जीना होगा अंसारी, जीना होगा तुम्हें। क्यों? किसके लिए? अब तक जो मेरे साथ हुआ है वो कम है। मेरी माँ, मेरे बेटे की तबाही देखने के लिए जिंदा रहूं मैं। मेरे जिंदा रहने की अब कोई वजह नहीं है। देखो अंसारी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि किसी और अंसारी के साथ ऐसा ना हो। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ अदालत चलना होगा, ताकि हम इंसाफ के लिए लड़ सकें। सर, साटम साहब का फोन था। उन्होंने बताया कि रात भर से टीवी पर न्यूज आ रही है कि हम लोग आईएसआई के हाथों बिक गए हैं और अंसारी को लेकर कहीं गायब हो गए हैं। सर, लोग लाठी तलवार लेकर अंदर घुस गए। हम लोग पीछे के रास्ते से जा सकते हैं सर? नहीं, हम लोग सामने के रास्ते से जाएंगे। Come on. कौन बोला ये? कौन बोला? तुम? तू बोला? तू मारेगा तलवार से? चला मार, मार अंसारी को। अच्छा, मार इसे, मार, 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 मार। क्यों नहीं भाई? मुझे मारेगा? ये ले, मार, मुझे मार, मुझे मार, मार, हट। और कौन मारेगा अंसारी को? बोलो, बोलो। चेहरा दिखाओ अपना। किधर साले, किधर की तरह झुंड में आकर के वार करते हैं? आंख क्यों नहीं मिलाते मेरे साथ? आंख मिलाकर वार करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और हिम्मत उसके पास होती जिसके दिल में सच्चाई हो। मालूम? अंसारी गद्दार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तू देगा उसे सजा? हैं? पुलिस तू, जल तू, जल्लाद तू। किसने हक दिया तुझे? अंसारी अगर कसूरवार है तो उसे अदालत में सजा मिलेगी। हम ले जा रहे हैं उसे अदालत। तुम इसे अदालत क्या ले जाओगे? तुम तो खुद बिक चुके हो। तरस आता है मुझे आप जैसे लोगों पर। हमेशा हमेशा गुमराह किए जाते हैं, आप लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके ही हाथों से आपके घर को जलवाया जाता है और लोग उस पर हाथ सेकते हैं, फिर भी आप नहीं समझते। वही हो रहा है आज। सच्चाई का पता नहीं, बर्चे तलवार लेकर उतर आते हैं आप लोग सड़क पर। हम जानते हैं सच्चाई क्या है। ये देखो, खून बहाया हमने सच्चाई के लिए, मौत से खेले हम। अगर आप समझते हैं कि आप सच्चाई पर हैं और मौत के साथ खेल सकते हैं, तो सामने आइए और रोक कर दिखाइए, वरना हट जाइए रास्ते से। सुपरिटेंडेंट साटम साहब का फोन आ गया है। वैसे तो साहब, इस स्टेशन पर दिन में कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं रुकती है, पर अभी यार्ड से एक सर्विस ट्रेन आने वाली है, वो खास आपके लिए रुकेगी। वो आपको कल्याण छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। थैंक यू। ओके सर।
डैडी मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। ओके बाय। मना किया था ना फोन करने के लिए? देखिए आप पुलिस वाले हैं, आपके घर वाले ये सब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे डैडी ये सब नहीं समझ सकते। मेरी आवाज़ सुनने के बाद ही जान में जान आई है उनकी। बताया तो नहीं हम कहाँ हैं? इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, 2 दिन पुलिस के साथ रहकर इतनी तो समझ आ गई है मुझे कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। हाँ वैसे तुम्हारे बारे में तो ज़रूर बताएं उन्हें। मेरे बारे में? क्या बताया? यही कि एक हैंडसम बहादुर पुलिस वाला मुझे सही सलामत घर पहुंचा देगा और वही किसी दिन मुझे घर से ले जाकर आपकी सारी चिंता दूर कर देगा। नहीं नहीं नहीं, सच्ची कसम से ये बोला? अरे लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवानापन। दिल कहा दिल सुना, मैंने तुम्हें दिल भर चुना। अब दूरियां ना रही दरमियां, क्या रंग लाई वफा। ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। Sorry to disturb you. क्या यार तू भी जूनियर। अच्छा भला रोमांटिक मूड में था, खाम खाम बीच में भांजी मारती। तू जानता है कि अंसारी का केस खत्म हो जाए ना, महालक्ष्मी से शादी कर लूंगा, 2 दिन बच्चे बच्चे होंगे, फ्लैट ले लूंगा। अच्छा अंसारी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा।
ये लड़ाई, आपको लगता है आपके समाज में एक अंसारी को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, भरोसा है मुझे देश के कानून पर, संविधान पर। मिले, सबका बराबर का हक है। क्या टका मका बकता हो? आई हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? कौन आ ले रहे? मैं सब इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते। अय्या हो, मालूम है मालूम है, वो इन्होंने बताया था आप भी उनके साथ चंदनगढ़ में। कब आए आप लोग? आज सुबह। वो क्या है ना, टीवी पर न्यूज़ देखे ना, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं मंदिर वंदिर गई, पूजा वजा की, अभी मैं मंदिर ही जा रही थी मैं। हे कुटे रहले मांगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए आपके लिए। आप आइए ना, या ना जी नहीं, मैं यही। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो नहीं आए? वो ठीक तो है ना? वो नहीं आएंगे, कभी नहीं। बहुत बहादुर आदमी थे आपके पति, बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, कभी घबराए नहीं। आखिरी वक्त आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे आप भी बहुत हिम्मत वाली, घर बच्चा सब कुछ संभालेगी। ऐसे ही बोलो, पहले मैं बहुत डरने की, जब ये रात को ड्यूटी पे जाते थे ना, तब मैं बोलने की उनको, बाकी मर्द भी तो नौकरी करते हैं, वो कैसे शाम को वापस आते, बच्चों के साथ खेलते, चैन से सोते। तुम देखो, मेरे को, मैं बोलने की नौकरी छोड़ दूं, मेरे को फिर प्यार से समझाते थे, बोलते थे बेड़ी है इसका, तू एक काकी वर्दी वाला सड़क पे खड़ा है करके तो सब लोग चैन से सोते, इसी भली नौकरी को छोड़ने को कहते। अब देखो सब कुछ। आई काय झालो बाबा, कधी येणार? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रो सर, ये तो मर चुका है। नहीं नहीं,
नहीं 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 अंसारी, ए तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमें हमें धोखा नहीं दे सकते इस तरह। अच्छा कमान कमान कह रहा उठ जा उठ। सर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोगों ने आईएसआई से मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे परवाह नहीं। आपको सब कुछ बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। सच्चाई यह है कि मैं कैसी बैठी रहेगी मौसी। मुंशी पार्टी वालों को बुलाते हैं, बॉडी उनके हवाले करते हैं। तेरा बेटा देशद्रोही था, कोई कंधा नहीं देगा। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला ओ करम। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम मेरे खुदा भी कहे तो मैं नहीं मानूंगी। अगर मेरा बेटा गुनहगार होता तो ये चार भले इंसान उसे कंधा नहीं देते, इतनी इज्जत से उसे रुखसत नहीं करते। अब क्या फर्क पड़ता है, अंसारी खत्म, केस खत्म। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ,
हमने अंसारी को दफन किया, इस केस को नहीं। सुना सुना आपने क्या कह रहा है ये आदमी? अरे यहाँ केस के साथ साथ जिंदा लोग दफन हो जाते हैं और ये मरे हुए आदमी के केस को जिंदा रखने की बात कर रहा है, और इस अफसर को आपने चुना था। उसके कहने से क्या होता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो संबंध सिर्फ कुर्सी के साथ होता है, उस पे बैठने वाले के साथ नहीं। घबराइए मत, मैं उससे बात करूंगा। चाय पीजिए। देखिए खामखा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंक्वायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब दिखावा है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, इसलिए आप भी उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए और मेरी बात को समझिए। मैं आपको एडिशनल कमिश्नर बना रहा हूं और उसके बाद कमिश्नर भी बनाऊंगा, माला माल हो गए, रिटायर होंगे आप, आपके दूसरे साथियों को भी मैं प्रमोशन दूंगा। और अंसारी? अंसारी वो तो देशद्रोही था, मर गया। सोचो मत, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो, खर्चा मैं उठाऊंगा। शुक्र करो कि अभी मेरा विश्वास कानून से उठा नहीं, वरना तुम्हारी हलक से जुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे देता मैं। देखो अनंत, जो कुछ कहना है अदालत में कहना, ओके? ए, अदालत में जाके क्या होगा रे? हाँ? तारीख गवाह है, मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के कितने स्कैम हुए, कितने केसेस दर्ज हुए, कितनी इंक्वायरीज हुई, कितने बड़े बड़े कमीशन बैठे, लेकिन हुआ क्या? हाँ? ठेंगा, आज तक किसी मंत्री की ना सजा हुई है ना होगी, यही हमारे देश का अलिखित कानून है। ये कानून बदलेगा देवधर, और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। दुआ करो कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें इतनी मार मारूंगा, शरीर में इतने जख्म दूंगा कि दर्द भी परेशान हो जाएगा कि उठे तो कहां से उठे। वॉच इट। वक्त बहुत कम है हमारे पास, देवधर ने हम पर निगरानी रखना शुरू कर दिया, किसी भी वक्त हम सबके नाम वारंट निकल सकते हैं। क्या करें सर, बेचारा अंसारी तो बेमौत मारा गया, हमारे पास अब ना कोई गवाह है ना सबूत है और ना सच्चाई तक पहुंचने का कोई सुराग। या हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। ओके ओके थैंक यू, माथुरी का फोन था, मैंने उसे कहा था चंदनगढ़ में जो जर्नलिस्ट मारा गया है भास्कर, उसके फैमिली का पता लगाएं, उसने उसके बेटे का पता लगा लिया, यहाँ है वो किरण। खेले रे बाहों।
सच कह रहा हूं साहब, बाबूजी ने हमसे कभी देवधर या किसी भी फाइल के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। याद करने की कोशिश करो चंदू, तुम्हारे पिताजी ने नेक काम के लिए अपनी जान दी है, क्या तुम नहीं चाहते हो उनका काम पूरा हो? तो क्या करूं मैं, तरह तरह के लोग ऐसे ही सवाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मारा पीटा, उन सबसे छिपता फिर रहा हूं मैं। बाबूजी तो गए और बाबूजी को मरता देख मां भी पथरासे गई है। एक मिनट, तुम्हारे बाबूजी की मौत चंदनगढ़ में हुई, फिर तुम्हारी माँ ने कैसे देखा उन्हें? टीवी न्यूज में दिखाया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चंदनगढ़ के इन सांप्रदायिक दंगों में अब तक 71 लोग मारे जा चुके हैं, 213 व्यक्ति घायल हैं और 3000 बेघर होकर सड़कों पर आ गए हैं। Okay, now I want you to zoom in. Zoom in closer. Yeah, more. Zoom in. Closer. More, more. G-P-O. First word is definitely GPO. Okay. Post box 115 Mumbai. Post box 115 Mumbai. Yeah. Thanks. Hello. Haan, Mahalakshmi, bolo. अरे फ्री होंगे तो बताऊंगा। अच्छा सुनो, हाँ? फाइल का पता चल गया। ग्रेट, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, बाद में। अभी शेखर, महालक्ष्मी समझने की कोशिश करो। नो नॉट फेयर, बस बोलो कहाँ, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, जीपीओ आ जा। ओके बाय। बाय। सर, सर शेखर है, सर फाइल का पता चल गया। गुड, जीपीओ के लॉकर में सर, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ओके। तू तो लंबे के लिए गया देवधर।
गुड इवनिंग। शोर मचा के काम बिगाड़ने वाला था आपका, इसलिए सुला दिया। फाइल मिला, लाओ। तुम लेके निकलो, मैं इन सबको रोकता हूँ। मगर तुम मेरी फिक्र मत करो, ये पैकेट आनंद साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, सिर्फ उन्हीं के हाथ में देना, समझी? ओके। हे, आई लव यू। आई लव यू टू। टेक केयर। हैरान परेशान,
क्या करें, इश्क है भी अजीब फंडा, अच्छे खासे आदमी को उल्लू बना देता है। तुम सरकार के लिए ड्यूटी कर रहे थे, मेरी जान मेरे लिए ड्यूटी कर रही थी, और तुम लोगों को जरा शक भी नहीं हुआ। ये मेरे ही कहने पर तुम्हारे साथ आई ताकि इस फाइल का पता लगा सके। सबको बेवकूफ बनाया इसने। शेखर, हम जीपी हो गए थे, कहाँ हो तुम? बड़ी होशियारी से तुम्हारे बीच रही ताकि तुम्हारी हर चाल हर मोमेंट के बारे में मुझे बता सके। भूतिया बंगले में मेरा अंदर आ जाना, स्टेशन पर खाली ट्रेन लेकर मेरा आना, सब नीली आंखों की मेहरबानी है। मां लक्ष्मी अंग्रेज के साथ, तुम्हारे सामने ही तो फोन किया था, मैं ही हूं इसका वो बूढ़ा बदनसीब बाप। शेखर निकल वहां से। I'm sorry, शेखर, काम के वक्त दिल लगाना अच्छी बात नहीं। तुम अपनी ड्यूटी से चूके, पर मैं नहीं। अब ये नसीहत अगले जन्म में काम आएगी। कोई आखिरी ख्वाहिश? Come on, शेखर, get out from there! मुझे कैसे मारा गया किसी से कहना मत, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा प्यार मोहब्बत से। और पहली गोली ये चलाएगी मुझ पे। अगर आप मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, आखिर तक आऊंगा, लेकिन सर आऊंगा जरूर। मुझे फक्र है तुम पर इंस्पेक्टर शेखर, मरते हुए भी तुमने अपनी ड्यूटी निभाई। Try to understand Anand, देवधर की पहुंच बहुतों पर तक है, तुम कुछ नहीं कर सकते। सड़क पे खड़ा एक बेबस लाचार आदमी यह कहे, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। सत्ता के नशे में चूर देवधर जैसा पॉलिटिशियन ये बोले वो भी मैं समझ सकता हूं, समझ सकता सले, समझ सकता मैं। एक 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 पागल सर फिरा अंग्रेज जैसा जल्लाद ये बोले वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन तू सले, तूने तो मेरे साथ कानून की रक्षा करने की कसम खाई थी, तू ये बोल रहा है, तू ये बोल रहा है, तू ये बोल रहा है, तू ये बोल रहा है। मत मारो मुझे, मत मारो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, आई डोंट नीड यू।
सर, मैंने महालक्ष्मी का पता लगा लिया है। वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गई है, वेटिंग फॉर अ कैब। फॉलो हर, वो हमें आगरे तक पहुंचाएगी। कीप मी इन्फॉर्म्ड, मैं आ रहा हूं। नायडू ने बताया मुझे, अनंत बहुत बुरी तरह जख्मी है हॉस्पिटल में। अब तो आपके रास्ते का कांटा हट गया देवधर। नहीं नहीं देवधर, फाइल नहीं। पहले पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, फिर बड़े प्यार से मैं तुम्हें फाइल दूंगा। कहा ना फाइल नहीं, बेवकूफ पहले फाइल मांग रहा। ठीक है, देख लेना, कल सुबह के अखबार में छप जाएगी। ओके। हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। क्या कीमत है इस फाइल की जान? $5 million, तुमसे ज्यादा नहीं जान। जी के काम आता है, कोई मर के काम आता है। तुम जी के भी काम आई और मर के भी।
कोई नीचे नहीं उतरेगा। सारे सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर इकबाल अंसारी के ऊपर लगे सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। ये अदालत मिनिस्टर देवधर, एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत नायडू और यशवंत आंगरे को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अपना सर उठा के चलना बेटे, तुम्हारे अब्बा बहुत नेक इंसान थे। इसकी पढ़ाई परवरिश अब सब हमारी जिम्मेदारी। गुड इवनिंग। इंतकाम भी अजीब फंडा है, शराब की तरह, जितना पुराना उतनी ज्यादा किक देता है। पछताओगे, पछताओगे तुम। अश्विन सर, ले जाओ इसे। यस सर। ये बच्चा क्या ले जाएगा? चलता हूं, जल्दी मिलता हूं।
चले जल्दी लौट कर, दो फायर कर वैन पर। जी सर। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते बोल रहा हूँ। बैड न्यूज सर, सर रास्ते में आंगरे ने कांस्टेबल की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। मैंने उसे सरेंडर करने को कहा तो उल्टा उसने पुलिस पर फायर कर दिया, तो फिर मैंने रिटर्न फायर किया और वो जख्मी हो गया। हाँ जिंदा है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है। जी यस सर।